नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिसेंट्री का पॉइंट। डिसेंट्री जिसको आम भाषा में लूज मोशन बोलते हैं। लूज मोशन अगर जिस पेशेंट को है तो हम लूज मोशन के लिए कुछ फॉर्मूले देते हैं, उन फॉर्मूले के साथ में ये पॉइंट भी अप्लाई करेंगे। सेम कॉन्स्टिपेशन की तरह दिया जाएगा, काउंटिंग सेम रहेगी, केवल अपोजिट डायरेक्शन में देना है। पहले चेक कैसे करेंगे, नाभि से तिरछा चेक करना है। हमने कॉन्स्टिपेशन यहां चेक करा था, अब नाभि से इस तरीके से जब हम चेक करते हैं, नाभि से पहला पॉइंट यहां प्रेशर देते हैं, दूसरा पॉइंट यहां प्रेशर देंगे, तीसरा पॉइंट यहां प्रेशर देंगे। तो ये जो तीन, ये जो एरिया है, ये हमारा डिसेंट्री का है, क्योंकि लूज मोशन होने के चांसेस यहां सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहां पर वाटर रिटेंशन होती है। यहां के बाद जो हमारे मोशन में पानी की मात्रा कम होती चली जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन की तरफ बढ़ता है मोशन। तो यहां पर हमारे को लूज मोशन होने के चांसेस हैं। तो सेम हम इसको जैसे हमने कॉन्स्टिपेशन पॉइंट दिया था, दोनों हाथों के एक साथ रखकर इस थाई के बीचों बीच, यानी कि लेफ्ट थाई के बीचों बीच, एक दो तीन चार पांच छ, एक कॉन्स्टिपेशन हो गया, सॉरी एक डिसेंट्री हो गया, एक दो तीन चार पांच छ, ये दो डिसेंट्री हो गए पॉइंट, और ऐसे तीन अगर लिखे होते तो तीन बार 6 सेकंड का प्रेशर देता। और ये पैरों से कैसे दिया जाएगा, पूरा बैलेंस बनाकर दोनों पैरों को सेंटर थाई पर रखना है, एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ, यानी कि 1.1 डिसेंट्री का पॉइंट है। एक बार 6 सेकंड का प्रेशर लेफ्ट थाई के बीचों बीच दोनों हाथ से या दोनों पैरों से देना है, और आपका डिसेंट्री वाला पॉइंट स्टिमुलेट होगा, जो आपके लूज मोशन को रोकने में मदद करेगा।